ॐ नमः सिद्धेभ्यः। थोड़ा ऊपर कर। नवो अरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयरियानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सौसाहुणम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, उत्तम सत्य धर्म की, देवायदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की, आज सत्य धर्म की बात है। सत्य तो ये है कि सत्य पर बोला नहीं जा सकता, सत्य को सुना भी नहीं जाता, सत्य को तो मात्र महसूस किया जाता है, अनुभव में लाया जाता है। और जिसे सत्य समझना, सत्य बोलना, सत्य देखना आ जाता है, उसका संसार का क्षय हो जाता है, वह कल्याण के मार्ग पर चला जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि हमारे जीवन में सत्य आए, तो सत्य की परिभाषा समझ लीजिएगा। सत्य किसे कहते हैं? सत्य का अर्थ हुआ करता है हित मित प्रिय वचन बोलना, ही सत्य कहलाता है। संसार का सत्य समझें क्या है? एक राजा था, वह रात्रि में सेन कर रहा था, प्रजा सुखी थी, धर्मनिष्ठ था। सेन करते समय अर्धरात्रि में उसे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न यह आया
तो व्यक्ति सपने में खो जाता है। वह राजा भी सपने देख रहा है और सपने में वह क्या देखता है, वह देखता है कि एक सामने वाले देश के राजा ने आक्रमण कर दिया है और मैं पराजित हो चुका हूँ, और पराजित हो चुका हूँ उसने हमें कहा है कि आपके लिए 4 दिन के भीतर भीतर इस देश से बाहर हो जाना है, क्योंकि पराजित व्यक्ति के लिए फिर जो सामने वाला कहता है वही करना पड़ता है। और वह सपने में ही 4 दिन तक घूमता रहा, भूखा प्यासा। फिर ऐसा हुआ, एक नगर में 4th दिन पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसे उस नगर में जो राजा था वह सबको खिचड़ी बांटा करता था, भोजन दिया करता था। यह राजा भी 4 दिन से भूखा प्यासा सामान्य व्यक्ति जैसा हो गया था। वह वहां पर खिचड़ी मांगने के लिए वही भी चला गया। ये सत्य है, जो कभी लोगों को भोजन कराया करते हैं कभी कभी उन्हें भी ऐसा समय देखना पड़ता है। खिचड़ी बांटने वाले को भी कभी कभी दूसरे की खिचड़ी खाना पड़ती है। लेकिन जब वह पहुंचा तो ऐसा हुआ, खिचड़ी समाप्त हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। अब क्या करे, भूखा बहुत था। रसोईया ने कह दिया, भाई खिचड़ी समाप्त हो गई है। उसने कहा, जो कुछ उसमें हो बर्तन में वो खरोंच कर दे दो। उसने खरोंच करके देना चाही, जैसे हाथ आगे बढ़ाया ऐसे एक चील पक्षी आया और झपट करके ले गया। फिर क्या हुआ होगा बोलो ना, फिर क्या हुआ होगा? अरे राजा की नींद खुल गई होगी ना, जो उसने झपट्टा मारा होगा तो राजा की नींद खुल गई। उसकी नींद खुली, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा हूं। बड़ा दुखी हुआ, मेरा राज्य छिन गया, ये हो गया, मुझे दर दर का भिखारी बनना पड़ा। सुबह तो जैसे तैसे हुई, राजसभा में गया, उसने अपने प्रश्न रखा दरबारियों के सामने, बताओ यह सत्य है कि वह सत्य है? अब सब लोग समझ रहे कि राजा कोई पहेली बूझ रहा है और पूछ रहा है यह सत्य है कि वह सत्य है, क्या करें? कोई उत्तर नहीं दे पाया। एक बुद्धिमान था, उसने कहा, राजन ना वह सत्य था और ना यह सत्य है, आप कैसे कह सकते हैं? बोले, आप अपनी बात रखिएगा, वह सत्य था यह सत्य है। आपने स्वप्न देखा? हाँ मैंने स्वप्न देखा। और उसने बताया, स्वप्न में मैंने ऐसा ऐसा देखा। तो बोले, जो आपने स्वप्न देखा वह भी सत्य नहीं था, जो राजपाट आपका अभी दिख रहा है यह राजपाट भी सत्य नहीं है, एक दिन सब छूटने वाला है, यही परम सत्य है। कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, ना वह सत्य था ना यह सत्य है, सपना तो सपना है। आज ऐसे लिखते हैं, दिन का हो या रात का सपना सपना हो, सपना ना सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना हो। अपना नहीं है वो सपना, सपना तो सपना है, बस दिखता है ही है। ये चाहे दिन का हो चाहे रात का, एक बंद आँख का सपना है और एक खुली आंख का सपना है। बंद आंख के सपने से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन खुली आंख के सपने से खतरा ही खतरा होता है। आदमी सोचता है, मैं ये बनाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये सब स्वप्न देखता रहता है, पर ये नहीं सोचता, मैं एक दिन मरूंगा मरूंगा मरूंगा। इस अटल सत्य को वह जान नहीं पाता। आप इस चीज को समझ लीजिएगा, इस संसार में सब क्षणभंगुर है, सब छूटने वाला है। और मैं आपको बता दूं, 3 सत्य तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको समझना होंगे, आज ही समझना होंगे। 3 सत्य
पहला सत्य है अंधेरे में छाया साथ नहीं देती, दूसरा सत्य है बुढ़ापे में काया किसी की साथ नहीं देती, तीसरा सत्य है अंत समय माया किसी का साथ नहीं देती। इन तीन सत्यों को समझो, ये जीवन के सत्य हैं, इन्हें जानो। ये वैराग्य दिलाने के लिए तीन सत्य हैं। क्या दिलाने के लिए? वैराग्य पाने के लिए तीन सत्य हैं। अंधेरे में काया छाया साथ नहीं देती, बुढ़ापे में काया साथ नहीं देती, और अंत समय माया साथ नहीं देती। वैराग्य प्राप्त करने के लिए इन तीन सत्यों को समझ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सत्य का अर्थ क्या होता है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं स्वयं को पाना ही सत्य है, आत्मा को प्राप्त करना ही सत्य है, निर्विकार हो जाना ही सत्य है, आत्मस्थ हो जाना ही सत्य है, पाप से राग से द्वेष से मौन हो जाना ही सत्य है। राग द्वेष और मोह से मौन हो जाओ, यही परम सत्य है। आत्मा में लीन होना ही सत्य है। और भी आचार्य भगवंत कहते हैं सार सार को ग्रहण करो, असार को छोड़ दो, इसका नाम भी सत्य है। इस चीज को जो समझ जाता है वह सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में लिखा किम सत्यम, सत्य क्या है? उन्होंने लिखा भूत हितम सत्यम, प्राणियों का हित करना ही सत्य है। जिस सत्य बोलने से किसी प्राणी का अहित हो जाए, किसी की हिंसा हो जाए, वह सत्य ना होकर के असत्य हो जाता है। और जिसके माध्यम से, जिस झूठ के माध्यम से किसी प्राणी का हित हो जाए, उसके प्राण बच जाएं, सो समझो वो झूठ नहीं, वो सत्य हो जाता है। क्योंकि सत्य का पालन अहिंसा का पालन करने के लिए किया जाता है। सत्य तो बागड़ है, बाउंड्री वाल है, और फसल जो है वह अहिंसा है। उसकी रक्षा हो जाए तो आपका सत्य काम का है। एक बार की बात है, एक संत थे, वह कहीं जाकर के एक जंगल में और एक पत्थर पर जाकर के बैठ गए। अच्छे बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, लंबा तिलक था, बैठे हुए थे। इतने में ऐसा हुआ कि सामने से दो लोग चले आ रहे थे, प्रेम और प्रेमिका। उनके पीछे कुछ लोग हथियार लिए चले आ रहे थे। संत ने उनको भी देखा, पीछे आने वालों को भी देखा, वो दोनों गए और एक झाड़ी में छिप गए। संत ने देख लिया वो झाड़ी में छिप गए। लोग आए, आने के बाद साधु से पूछा यहां से दो लोग गुजरे हैं क्या? बोले हाँ। कहाँ है? वो छिपे हुए। वो लोग वहां गए और दोनों को मार दिया। बोले सत्य हुआ कि असत्य हुआ? दो लोगों के प्राण चले जाएं वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो रक्षक होता है। सत्य किसी का अहित कर कैसे सकता है? उसी का नाम तो सत्य है। इसे तो कहते सत्य बड़ा कटु होता है। तो महाराज से झूठ बोलना था क्या? दूसरा उदाहरण समझ लीजिएगा। एक साधु महात्मा थे, वह भी एक शिला पर बैठे हुए थे और अचानक उनके सामने से एक हिरण निकला। उसके पीछे शिकारी थे। शिकारियों ने आकर के पूछा महाराज यहां से हिरण निकला क्या? उन्हें पता था ये उन्हें मार देंगे। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया जिसने देखा है वो बोलता नहीं, जो बोलता है उसने देखा नहीं। आंखों ने देखा है तो बोलती नहीं,
मुख बोलता है तो उसने देखा नहीं, महाराज बच गए, हिंसा से भी बच गए और सत्य बोल दिया उन्होंने, झूठ नहीं बोला। बहुत कठिन है सत्य का पालन करना। मुनि महाराज के पास मां सत्य बोलना नहीं होता, अरे उसने कहा तो मैंने कह दिया, मैंने कौन सा गलत कहा ये तो गलत कर दिया। याद रखना, बोलने को समय सबके पास है पर बोलने की समझ सबके पास नहीं होती। क्या कह रहा हूं अध्यक्ष साहब, सुन रहे आप? बोलने को समय सबके पास है पर बोलने की समझ सबके पास नहीं है। बोलने की शक्ति अलग चीज है, बोलने का समय अलग चीज है और बोलने की समझ अलग चीज है। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक संसार में उलझे ही रहोगे। संसार में उलझन से बचना है ये समझ पैदा करना पड़ेगी हमारे लिए कि क्या बोलना, कब बोलना, कैसा बोलना। ये समझ ना होने से ही आदमी ना समझ माना जाता है, भले सत्य बोल रहा हो तो क्या होता है। सुने आप लोग की नहीं? अब ऐसा हुआ कि ये कह दिया, वो बच गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक काल्पनिक कहानी, हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दोनों के दोनों संत का मरण हुआ, ये तो नियम है, आपको पता है। क्या पता है आपको, बताओ हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा, ये आपको पता है। एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होगी, मरना सबको है, ये सत्य है, पर उसमें हमारा भी नंबर है, ये अटल सत्य है, कोई टाल नहीं सकता। अब हर प्राणी की तीन सच्चाइयां जान लीजिएगा। अभी बैराग पाने के लिए तीन बातें समझी थी, अब हर प्राणी की सच्चाई जान लीजिएगा। जो जन्मा है वो मरेगा, ये पहली सच्चाई है। दूसरा, दूसरी सच्चाई, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, ये दूसरी सच्चाई है। तीसरी, जो करेगा वो भरेगा, ये तीन सच्चाइयां, इसे आप झुठला नहीं सकते, नकार नहीं सकते। ये तीन सच्चाइयां समझ लो। पहली सच्चाई, जो जन्मा है मरेगा, इस धरा का इस धरा पर धरा रह जाएगा, जो करेगा वो भरेगा, बस दोनों। एक ने सत्य बोला था और एक ने घुमा करके सत्य बोला था। सुन रहे आप लोग की नहीं? बताओ, स्वर्ग कौन गया होगा, नरक कौन गया होगा? जिसने ये कहा था कि वो दोनों वहां हैं, वो कहां गया? नरक। और जिसने कहा, जिसने देखा, वो बोलता नहीं, जिसने जो बोलता वो देखता नहीं, वो कहां गया? स्वर्ग। बस पहले संत को गुस्सा आ गया, बोले मैंने सत्य बोला और मुझे नरक भेज दिया। बोले भाई समझो तो, तुमने सत्य तो बोला है पर समझ कि नहीं बोला। आपके सत्य बोलने पर दो की हिंसा हो गई और सामने वाले के सत्य बोलने पर, या कहो आप झूठ कह रहे जिसको, उसके बोलने पर हिरण की जान बच गई। जिससे किसी का हित होता हो वो सत्य है और जिससे अहित हो जाए वो असत्य है। इस बात को समझो तभी तो तुम्हें नरक में आना पड़ा। अब सुनो, साधु के पास चार चीजें होती हैं, मात्र सत्य ही नहीं होता, सत्य धर्म, दस धर्म में से सत्य धर्म होता है, सत्य महाव्रत होता है, भाषा समिति होती है, वचन गुप्ति होती है। समझना एक एक चीज को, साधु को कैसे बोलना पड़ता है, कैसे जीवन यापन करना पड़ता है, कैसे अपने व्रतों को संभाल के रखना पड़ता है, कैसे दूसरों की हिंसा ना हो, ये अपना जीवन बनाना पड़ता है। तो चार बातें उनके पास रहती हैं, सत्य धर्म पहला, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा भाषा समिति, चौथा वचन गुप्ति। ये चार चीजें होती हैं। तो समझें, सत्य व्रत क्या होता है और सत्य धर्म क्या होता है। तो सत्य महाव्रत का अर्थ है असत्य का त्याग,
सत्य महाव्रत का अर्थ है, बोलो ना, असत्य का त्याग, मन वचन काय से सभी प्रकार से झूठ का त्याग कर देना, ये कहलाता है सत्य महाव्रत। फिर आता है सत्य धर्म, जो जैसा दिख रहा है वैसा कहना सो सत्य धर्म। भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना सो भाषा समिति। गुप्ती, मन वचन काय से मौन हो जाना सो गुप्ती। अब कहां पर जैसा देखा वैसा कहना और कहां पर असत्य का त्याग और कहां पर हित मित प्रिय वचन बोलना और कहां पर मौन रहना, ये समझ होना चाहिए, तभी हम व्रतों का पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अंधे को अंधा कहना महाव्रत में दोष है, समझ रहे हैं आप लोग। जहां पर मौन रहा जा सके मौन में ही अपना समय निकालें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बंधु सत्य को पाना नहीं है, सत्य तो हमारे अंदर है, असत्य को धोना है। सत्य बोलने का अर्थ नहीं है जो बोल रहा है उसे सत्य नहीं कहा, बल्कि असत्य नहीं बोलने का नाम सत्य है। असत्य का त्याग हुआ तो सत्य है, बोलने का नाम नहीं। मौन भी रहोगे तो भी सत्य पलेगा, लेकिन लोग बोलने का नाम सत्य बोलते नहीं। अच्छा ये बताओ, कुआ किसे कहते हैं? आदमी बोलते हैं हम कुआ खोद रहे हैं, कुआ खोदते हैं कि खोदे खुदाई का नाम कुआ होता है। आप कपड़ा धोते हो कि गंदगी धोते हो कपड़े की? बोलो ना, गंदगी। पर कहने में क्या आता है? इसी प्रकार सत्य को पाना चाहिए, सत्य को पाना नहीं असत्य को धोना है। आचार्य श्री हाइकू लिखते हैं, तेरा सत्य तो भविष्य के गर्भ में असत्य धो लो, तेरा सत्य तो भविष्य के गर्भ में असत्य धो ले। सत्य तो भविष्य के गर्भ में मतलब अंदर, तेरे गर्भ में अंदर विराजमान है, आगे निकलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में असत्य को धो लो, अर्थात मिट्टी खोदो, पानी ना चाहो पानी तो फूटेगा। नहीं आए समझ में? पानी नहीं चाहो मिट्टी खोदो, और मिट्टी खोदते जाओगे तो नीचे पानी तो फूटेगा। वैसे सत्य नहीं पाना, असत्य को खोदते जाओ, असत्य को समाप्त करते जाओ, सत्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दिन में सत्य ना बोलता हो, पर ऐसा भी, असत्य का त्याग किसका है ऐसा बता दे, असत्य का त्याग किसका है वो बता दे। इसे तो सत्य प्राप्त नहीं हो रहा, सब सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, लेकिन सत्य किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनका अभी असत्य बोलने का त्याग नहीं है। जब तक असत्य बोलने का त्याग नहीं होगा तब तक सत्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता, ये पक्का है। लेकिन आदमी सत्य को पाना चाहता है। अब चलिएगा, सबसे पहली बात अपन समझते हैं, जो जैसा देखा वैसा कहना तो सत्य है, ये सबको आता है। लेकिन कभी कभी जो देखा हो सुना हो, कितने आंखों देखा कानों सुना भी असत्य हो सकता है, इसके लिए समझ चाहिए। समझ के बिना आप कुछ भी सच्चाई की ओर बढ़ नहीं सकते। असत्य का त्याग हो, देखिएगा, निंदा के शब्द असत्य हैं, निंदा के शब्द असत्य हैं, कटु वचन असत्य हैं, चुगली के वचन असत्य हैं, कटुक वचन असत्य है। असत्य को समझ लो, किसी की निंदा कर रहे हो भले ही आप सत्य बोल रहे हो, पर वो क्या कहलाएगा? असत्य, क्योंकि निंदा से दूसरे को घात पहुंचता है। कड़वे वचन सत्य हैं, लेकिन कड़वे हैं इसलिए कैसे हैं वो असत्य हैं। कटु वचन मत बोल, पर निंदारू झूठ तज, सांच जावाहर खोल सत्यवादी। पढ़ते तो आप लोग हैं लेकिन निंदा भी कर जाते हैं, वह झूठ है। कटु वचन बोल जाते वो भी झूठ हैं। इन सबसे बचना चाहिए।
कहते हैं भैया शब्द ऐसे कांटे हैं जो दिखते तो नहीं है लेकिन चुभती अवश्य है, बड़ी मुश्किल से निकलते हैं वो। इस पर भी एक उदाहरण याद आ रहा है। एक गरीब आदमी था और वह सब तरह से परेशान हो चुका था। कुछ दिन बाद उसके परिवार में शादी थी, पैसा नहीं था, सब तय हो चुका था। उसने सोचा किसको मुंह दुखाएं, क्योंकि एक व्यक्ति सोचता है कि ईमानदारी अपने जीवन में हो तो अच्छा है, वरना इससे अच्छा तो जीवन समाप्त करना। वो चल दिया आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर। उसने सोचा हमारा साहस नहीं है कि हम फंदा लटका सके, हम कुछ कर सकें, सबसे अच्छा तरीका शेर के सामने खड़े हो जाओ। और वह एक गुफा में पहुंच गया। जब गुफा में पहुंचा तो शेर दिख गया। अरे उसे आश्चर्य हुआ, पहली बार ये कोई समझदार इंसान मौत के मुख में सीधा चला आ रहा है। शेर ने उस पर झपट्टा नहीं मारा, शांत, कुछ ना कुछ तो होगा, विस्मय रह गया। वो आया, बोले शेर आप अपना काम करिएगा। बोले क्यों, जीना नहीं है क्या तुम्हें? नहीं, मैं मरने के लिए आया हूं। क्यों, क्या बात है? बोले हाँ ऐसी ऐसी समस्या है, इसलिए हमने सोचा कि जीवन को समाप्त कर दिया जाए। अरे हमने तो बहुत से लोगों को खाया, उनके जेवर पड़े हुए हैं यहां पर, सोना चांदी ले जाओ। सुन रहे ना आप लोग, ये मत समझना कि दया और करुणा मानवता इंसान के पास ही होती है, ये सबसे जना तो उन मूक पशुओं के पास हुआ करती है। वो कुछ नहीं जानते फिर भी सत्य को जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते फिर भी दूसरों का भला करना तो जानते हैं। बस खुश हो गया, अंधा क्या चाहे, दो आंखें मिल गई, बहुत सारी आंखें मिल गई लेकर के, और कह गया आपको शादी में जरूर पधारना है, फलानी तारीख को हमारी बिटिया की शादी आपको जरूर। ठीक है, आप मित्र बन गए तो आऊंगा। बस वहां पर शादी की तैयारियां चल रही हैं, यह शेर वहां पर पहुंच गया। सब लोग घबरा गए, यहां वहां भागने लगे। तो आदमी आया जो जीवर लेके गया था, उसने कहा अरे क्यों भागते हो, इससे मत डरो, इससे तो गधे से भी गया बीता है। ओह, शब्द कह रहा हूं मैं, शब्दों की संभाल कैसे हो, शब्द कुछ भी बोलना ठीक नहीं। वह लौट करके चला गया, एक क्षण भी नहीं रुका, क्योंकि सबसे बड़ा सम्मान तो आपके चेहरे और आपके शब्दों में रहता है। आप सामने वाले को सम्मान देना चाहते हो तो आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, आपके शब्दों में नरमी आती है। यदि आपका चेहरा उतरा हो, अहंकार से भरा हो और नमस्कार भी कर लो तो नमस्कार समझ में आ जाता है। ये मात्र स्वार्थवश नमस्कार है, वास्तव में नमस्कार नहीं है। चला गया। अब क्या हुआ, सबके दिन एक से नहीं होते, आपत्ति सब पर आती, फिर पुनः उसका धन समाप्त हो गया। अब उसने सोचा चलो फिर मित्र के पास चलते हुए गया। उसने कहा भाई धन तो बहुत सारा रखा है। शेर ने कहा बस एक काम करो, एक कुल्हाड़ी पड़ी है ना, पहले आप हमें खाओ करो यहाँ। बोले कैसी बात करते हो, नहीं तुम तो एक, नहीं तो फिर सही मित्र नहीं कहलाओगे आप हमारे। आदमी तो आदमी अपने स्वास्थ्य सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते। उसने उठाई कुल्हाड़ी और ले दिया, समझ रहे घाव करके चला गया। ले जाओ, और जब जरूरत पड़े तो फिर ले जाना, कोई बात नहीं। फिर जरूरत पड़ी, सुन रहे ना, कुछ दिन बाद फिर पहुंचा वहां पर। वो बड़ा खुश हुआ देख करके वो आदमी, अरे वाह आपका घाव तो भर गया, पर हमें ये समझ में नहीं आया आपने घाव क्यों करवाया था। बोले तुम भले आदमी के लिए शिक्षा देने के लिए, क्या शिक्षा, गोली का, तलवार का, कुल्हाड़ी का घाव भर सकता है, पर बोली का घाव कभी भर नहीं सकता। तुमने जो मुझे गधे से भी गया बीता बोला है, वो घाव अभी भी हरा भरा है। मैं आपको आज भी शिक्षा देता हूं, उपकारी के प्रति कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। दुनिया के लोगों,
यह उदाहरण भी मैंने इसलिए दिया है, काल्पनिक हो सकता है, लेकिन इसलिए आपके लिए ताकि आप समझ सकें कि कभी किसी के सामने ऐसे शब्द न बोलें, उसको चुभ जाएं और जीवन भर उसे याद रहें। अंधों के अंधे होते हैं, इतना कहने से ही महाभारत खड़ा हो गया था। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए सोच समझ करके शब्दों का चयन करके आप बोलिएगा। तूफान से पर्वत हिल नहीं सकता, पत्थर पर फूल कभी खिल नहीं सकता, अनेक प्रयत्न करने पर भी सच मानो वचनों का घाव कभी भर नहीं सकता, वचनों का घाव कभी। एक वैज्ञानिक खोज है, डॉक्टरों की खोज है कि जीभ पर लगा हुआ घाव बहुत जल्दी भर जाता है, पर मेरी खोज है जीभ से किया हुआ घाव जीवन भर नहीं भरता, जीवन भर नहीं भरता। जीभ पर यदि घाव हो जाए तो बहुत जल्दी। अरे मैं कहता हूं वही अपनी जुबान ऐसी बनाओ कि हर किसी की जुबान पर आपकी जुबान की तारीफ हो। ऐसी क्यों बनाते हो जुबान जो सबको नुकसान पहुंचाती हो, कष्ट पहुंचाती हो? थोड़ा सोचिए, विचार करिएगा कि हमारे पास कैसे होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबका बोलना नियत है, कुत्ता बोलता है तो क्या बोलते हैं आप लोग? भौंक रहा है। कोयल बोलती है तो क्या बोलते हैं आप लोग? कूंक रही है। कौआ बोलता है तो कोस रहा है, कोस रहा है, क्या बोलते हैं? गाय बोलती है तो रभा रही है। बिल्ली बोलती है तो म्याऊं म्याऊं कर रही है। गधा बोलता है तो रह रहा है। हाथी बोलता है तो चिंघाड़ रहा है। शेर बोलता है तो धाड़ रहा है। और जब आदमी बोले तो बोल रहा है, नियत है ना। आदमी को जब वो है शब्द निकालता है उसे क्या बोलते हैं? बोलना बोलते हैं। सुन रहे आप लोग की नहीं? लेकिन मैंने देखा, और बकरा बोले तो मैं। आदमी क्या नहीं करता? आदमी कभी कभी दहाड़ता भी है, आदमी कभी कभी ममियाता भी है, कभी कभी अरे ये हम नहीं बोलना चाह रहे थे, भौंकता भी है। कुछ तो नियत कर लो। पशु पक्षियों ने तुम्हारी नकल नहीं की, सारी नकल किसने की है? आदमी ने की है। जरा सोचो, तुम कोसते भी हो, तुम भौंकते भी हो, तुम कूंकते भी हो, तुम बोलते भी हो, तुम दहाड़ते भी हो, तुम चिंघाड़ते भी हो, तुम मैं भी करते हो। जरा सोचो, विचार करो, इंसान की नियति क्यों खो रहे हो तुम? अपना गुण क्यों समाप्त कर रहे हो? कहते हैं आदमी सब करता है, अतिक्रमण करता है, शब्द एवं समय का चयन होना चाहिए। जीवन के निर्माण में शब्द और समय का सदुपयोग होना चाहिए। जीवन निर्माण तभी हो सकता है जब हमारे शब्दों का और समय का चयन हो। समय का सदुपयोग करना आना चाहिए, शब्दों का सदुपयोग करना आना चाहिए। समझो तो बोलते समय, समझो तो बोलूं, समझ में आए तो ताली बजाना। जो रात दिन बोलते ही बोलते ही बोलते ही बोलते ही रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, समझ में आए तो ताली बजाना, बिल्कुल नहीं बजाना। बोलते समय घड़ी तो भूला करो, पर कैलेंडर मत भूला करो। क्यों ताली बजाई? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं आया समझ में, ताली क्यों बजा दिया? अरे घड़ी भूला करो, मतलब सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक बोला करो, पर 12 के बाद बोलते हो तो कैलेंडर का दिन बदल जाता है, ये कहना चाहता हूं। अब बजा लो, घड़ी तो भूल जाओ पर कैलेंडर मत भूलो। बोलते रहते, एक दिन से दूसरे दिन हो रहा है, रात हो रही तो भी बोल रहे हैं, दिन हो रहा है तो भी बोल रहे हैं, जब देखो तब बोल रहे हैं।
घड़ी भूलना तो फिर भी ठीक है भैया। आचार्य कहते एक आध घड़ी बोल लो फिर चुप हो जाओ, पर तुम तो घड़ी भूल करके ही बोल रहे हो। 12 बज रहे तो बोल रहे, 1 बज रहे तो बोल रहे, रात हो गई तो बोल रहे, दिन हो गई तो बोल रहे, दूसरा दिन हो गया तो बोल रहे। इसे कैलेंडर मत भूलो, समझो इसके लिए कि हमारे लिए ये जीवन बड़ा मुश्किल से मिला है, क्या करें बहुत कठिन है, बोलते समय आदमी भूल जाता है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भोजन आप कैसा करते हो जिससे स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, है ना, शरीर गड़बड़ ना हो, तो वचन कैसे बोलना चाहिए जिससे हमारा व्यवहार गड़बड़ ना हो। जो व्यवहार गड़बड़ी में आ जाए या व्यापार गड़बड़ी में आ जाए या शरीर गड़बड़ी में आ जाए तो ऐसा भोजन ऐसा बोलना किस काम का जरा बताओ। तो बोलने पर कुछ तो हो, चेक करो, हम थर्मामीटर देते हैं चेक करने का, अच्छा या बुरा चेक करिएगा, जो आप बोल रहे हो अच्छा है कि बुरा है, सच है कि झूठ है। तीसरा, लाभप्रद है कि हानिप्रद है, हो गए ना पैमाने, 3 पैमाने हो गए, कौन से, अच्छा या बुरा, सच्चा या झूठ, लाभप्रद या हानिप्रद। ये कम से कम सोच तो लो, विचार तो कर लो। आप लोग पानी तो छान कर पीते हो पर वाणी छान कर निकालते हो क्या? पानी क्यों छानते हैं आप लोग? हिंसा से बचने के लिए ना, तो वाणी के बारे में नहीं सोचते आप, किसी हिंसा ना हो जाए, किसी का अहित ना हो जाए, वाणी कैसे भी निकाल देते हैं आप। जैसे बताया है जैन दर्शन में, 3 परत के छन्ने से पानी छानना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी आर पार ना हो सके, वैसे ही वाणी भी 3 परत के छन्ने से छानना चाहिए, कौन से, हित मित प्रिय, ये 3 परत का छन्ना होगा तभी जाकर के आप वाणी का उपयोग करिएगा। कौन सा छन्ना है? 3 परत वाला, हित मित और प्रिय, जिसमें सभी का हित हो। मित माने चंद शब्द हों और प्रिय माने सभी को अच्छे लगने वाले हों, ऐसे शब्दों का आप उपयोग कीजिएगा। ये छन्ना आपके पास हो तभी आप सत्य बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं। इससे अच्छा है तो आप मौन रह लीजिएगा, बोलिए ही नहीं। मौन से क्या फायदा है? मौन से मन स्वस्थ होता है और उपवास से तन स्वस्थ होता है। मौन से स्वाभिमान की रक्षा हो जाती है, जो व्यर्थ बोलता है उसे सम्मान नहीं मिलता, कोई सम्मान नहीं करता। जो अच्छा बोलता है उसे वक्ता बोलते हैं, जो व्यर्थ बोलते हैं अरे वो तो वक्ता ही रहता है, वो तो अंतर हो जाता है। इसलिए समझो, स्वाभिमान की रक्षा करना हो तो मौन, ज्ञान प्राप्त करना हो तो मौन, क्योंकि ज्ञान का साधन है मौन, स्वाभिमान का रक्षक है, ज्ञान का साधन है और पुण्य को करने वाला है। मौन रहने से पुण्य की वृद्धि होती है, पाप को हरने वाला है। मौन रहने से पाप से बच जाते हैं और मौन रहने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं, देवतादि वश में हो जाते हैं, क्रोध समाप्त हो जाता है, चित्त की शुद्धि हो जाती है और सुख की प्राप्ति होती है। मौन रहने से इतना फायदा है, समझ रहे हैं आप लोग? और बोलने से उतना ही नुकसान है, जितना अधिक बोलोगे उतने कम सुने जाओगे और जितना कम बोलोगे, जितना अधिक बोलोगे उतने नहीं सुने जाओगे और जितना कम बोलोगे उतने सुने जाओगे। घर परिवार में आपकी कोई क्यों नहीं सुनता? आप बार बार बोलते हैं, बार बार टोकते हैं। और यदि आप कम बोलोगे आप पर ध्यान दिया जाएगा, सब आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप लोग? मैं तो कहता हूं वो धन है जीव जिनकी वाणी से ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे पाप ताप और संताप सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गुरु महाराज हैं, जिसको देखो वही तरसता है
तुमसे मिलने की चाहत रखता है, जाने कैसा जादू है तुम्हारी वाणी में, उसमें डूब जाने को मन करता है। ऐसे वचन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। आप कितना प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो, दुनिया में यदि हमारी रक्षा हो सकती तो मां सत्य के माध्यम से ही हो सकती है। असत्य के माध्यम से कभी किसी की रक्षा नहीं हुई थी। लोग सोचते हम झूठ बोल देंगे हमारी रक्षा हो जाएगी। झूठ स्वयं असुरक्षित है, तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा। आपने कबीरदास जी का नाम सुना? हिंदी में एक संत हुए, हिंदी साहित्य में उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, तो भारत के संत हुए, उनका नाम कबीर था। वह जुलाहे का काम करते थे, अर्थात कपास का काम करते थे, धुनाई करते थे। एक बार एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और वह कहता है वहां पर बहुत सारे ढेर लगे हुए थे कपास के। कबीरदास जी से कहता है, संत जी आप तो बड़े दयालु हैं, मैंने ये गलत नहीं किया, मैं सत्य हूं बोल रहा हूं, पर मेरे पीछे सिपाही पड़े हुए हैं और वो किसी की सुनने तैयार नहीं है। सीधा उनके हाथ में भाला है, अब आप ही बचाइए मुझे। उन्होंने कहा ये कपास का ढेर लगा हुआ है, इसके अंदर छुप जाओ, क्या कर लो। एक संत छुपा रहा है। इतने में सिपाही आते हैं, बोलते हैं कि संत जी यहां से क्या, यहां कोई व्यक्ति छिपा हुआ है, आया है छिपा है। हाँ बोले, इस रुई के ढेर में छिपा हुआ है। वो अंदर सुन रहा था, जिसे छिपा रखा था उसे समझ में नहीं आया। छिपने को इन्हीं ने बोला और इन्हीं ने बता दिया। वो समझ गए कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा। बोले मैंने इसमें छिपा रखा है। बोले संत जी मजाक मत करो, बता दो। फिर बोले तुम देख लो। वो बेचारे चुपचाप आगे निकल गए। उन्होंने कहा स्वयं छिपाने वाला थोड़ी बताएगा कि बोलो ना इसमें छिपा। वो निकल गए। अब क्या हुआ, सब चले गए। आ जाओ बेटा कपास से बाहर निकल, आ जाओ संतोष, आ जाओ बेटा। वो आ गया। बोले संत जी हमें समझ में नहीं आया, आपने छिपाया और आपने बताया। बोले आपने कहा था ना कि मैं सच्चा बोल रहा हूं, तो मैंने परीक्षा ली कि तुम सच्चे होगे तो बच जाओगे और झूठे होगे तो पकड़े जाओगे। मैं झूठ बोल देता, यदि मैं झूठ बोल देता कि वो यहां पर नहीं है तो आपको ढूंढते वो, मैंने सत्य बोल दिया इसलिए उन्होंने आपको ढूंढा नहीं, सत्य से तुम्हारी रक्षा हुई है। झूठ बोलने से तुम्हारी रक्षा कभी नहीं हो सकती थी, सत्य बोलने से ही तुम्हारी रक्षा हुई है। लोग समझते हैं हम कोर्ट कचहरी में झूठ बोला है बच गए। ध्यान रखो, मैंने एक बार कहा था तुम दुनिया की न्यायालय में बच जाओगे पर कर्म रूपी न्यायाधीश से नहीं बच पाओगे। सत्य तो सत्य है। कभी कभी ऐसा होता है आदमी एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जब अपन समझ जाए इस आदमी की तो आदत ही हो गई झूठ बोलने की, मायाचारी करने की, पर उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, इस कान से सुना जाता है और विश्वास खो जाता है वो व्यक्ति। एक झूठ के छिपाने के लिए बहुत सारे झूठे कैसे बोलना पड़ती हैं। एग्जांपल दे दो। एक बिल्ली थी, वह चली जा रही थी, उसने देखा एक चूहा छिपा हुआ बैठा है उसकी पकड़ से बाहर। उस बिल्ली ने उस चूहे से कहा, अरे भाई चूहे तुम्हें पता नहीं है कल जो है सब जानवरों की सभा लगी थी और उसे एक प्रस्ताव रखा गया, कोई भी कोई जानवर को नहीं मारेगा, जिसे कोई मरा मिल जाएगा वो ही खाएगा, तो बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। सुन रहे ना, क्या नहीं होगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। उसने कहा हम कैसे विश्वास कर लें, किसी सभा लगी थी जहां पता हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी हाँ ऐसा हुआ था तभी हम बाहर आएंगे। अरे नहीं तो आ जाओ, घबराओ मत। इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कौन आ गया,
बिल्ली भागने लगी। चूहा कहता, क्यों तुम क्यों भाग रही हो, आपको याद नहीं है क्या कि सभा में क्या बात हुई। बोली, क्या करें, जैसे तुम सभा में नहीं गए थे हमसे कुत्ता भी नहीं गया होगा, यदि हमें वो मार दे तो इसलिए हम भाग रहे हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरी झूठ, झूठ का पुलंदा है ये संसारी प्राणी। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरे, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरी, ऐसी कितनी झूठ का सहारा लेता रहता है। पर झूठ के सहारे से कभी कोई महान नहीं बनता। जो सत्य बोलता है, सत्य वचन बोलता है, वही जीवन में महान बनता है। झूठ तो मात्र झूठ ही रह जाती है और वहीं तक रह जाती है। आप लोगों ने सुकरात का नाम सुना होगा, सुना है सुकरात? नहीं सुना? विदेश का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, संत भी था, दार्शनिक भी था। वह सुकरात हमेशा सत्य का समर्थन करता था, हमेशा सत्यवादी था। उसके क्रूटो आदि बहुत सारे शिष्य थे। एक बार ऐसा हुआ, उसे झूठा आरोप लगा करके और जेल भेजा दिया गया। कहां भेजा दिया गया? जेल। उनके जो अनुयायी थे उन्होंने व्यवस्था बना ली। क्या व्यवस्था बना ली? अपने गुरु को वहां से बाहर निकालना है। और व्यवस्था के तहत वो जेल में अंदर प्रवेश कर गए और सुकरात से कहते हैं, चलो। कहां चलो? बोले, बाहर निकलो। बाहर क्यों? क्योंकि तुम्हें झूठा फंसाया गया है, तो हमें झूठ का सहारा लेकर के बाहर निकल जाना चाहिए। सुकरात कहते हैं, मेरे प्राणों के मोह में तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी है। सत्य प्राणों से भी प्यारा होता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन ना जाए। जो वचन दे दिया, जो कह दिया, दुनिया को क्या है, मैं सत्य हूं। और ध्यान रखो, तुम सोच रहे मेरी फांसी दी जाएगी, मैं मर जाऊंगा। नहीं भैया, ध्यान रखो, मैं सत्य हूं और सत्य कभी मर नहीं सकता। मौत से डरने की मेरी आदत नहीं है, जिंदगी से थकने की मेरी आदत नहीं है। सत्य के लिए तो मैं संकट भी सह लूंगा, असत्य पर झुकने की मेरी आदत नहीं है। असत्य पर झुकने की मेरी आदत नहीं। झुकावो, उसने इतिहास में अमर हो गया। याद रखो, जो सत्यवादी होते हैं वो कभी मरते नहीं है। सत्य कभी मरता नहीं है और असत्य कभी पनपता नहीं है, वह तो एक न एक दिन समाप्त होता ही है। इसलिए हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहिए, सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। महाराज श्री, असत्य बोलने से क्या नुकसान है? असत्य बोलने से साक्षात दिखता है, दुर्गुण अंदर आ जाते हैं, क्योंकि असत्य स्वयं अपने आप में एक दुर्गुण है, दुख का कारण बनता है। असत्य बोलने से दुख मिलता है, विनाश होता है, विश्वास नष्ट होता है, कभी जीत नहीं मिलती। असत्य बोलने से कभी जीत नहीं मिलती, असत्य कलह का कारण है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे, जहां विवाद और कलह हो, समझना कहीं ना कहीं असत्य पल रहा है। क्योंकि असत्य के बिना कलह हो नहीं सकती, विवाद हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं असत्य है, तभी तो विवाद हो रहा है। गूंगापन, विकलता, आप देखते हैं ना, बोल नहीं पाता, तुतलाकर बोलता है, गूंगापन आ जाता है, ये सब किसके कारण है? असत्य वचन बोले थे उसने पहले। इसलिए मूलाचार ग्रंथ में तो लिखा है, जिसके मुख से असत्य वचन निकलते हैं उसका मुख नाली के समान है। कितनी घिनौनी उपमा दी है, असत्य भाषण करने वाले का मुख किसके समान है? और बुंदेलखंड में बोलते हैं, ऐसा मत बोलो मुंह में कीड़े पड़ेंगे। नाली में क्या रहते हैं? कीड़े बिलबिलाते रहते, गंदगी पड़ी रहती है। ए, किसी का हित नहीं होता असत्य बोलने से, और हिंसा होती है। क्या होती है? हिंसा। असत्य बोलने से हिंसा होती है, ये नियम है। जब जब असत्य बोला जाएगा तो हिंसा होगी ही होगी, आप हिंसा से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। देखो,
हर एक व्यक्ति कहता है सत्य बोलो सत्य बोलो, जब उसका नंबर आता है तो। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी आप तो सब कुछ सच सच बोल दिया करो, हमारे बारे में बोल दिया करो। और एक दिन हमने उनके बारे में सत्य बोल दिया, भी आज तक नहीं बोलते। सत्य कड़वा होता है। कैसा होता है? पर एक बात ध्यान रखें, मैं कुछ और सोच रखता हूं इसके बारे में। सत्य तो सत्य होता है, सत्य ना मीठा होता है ना कड़वा होता है। जो स्वार्थ की जीव से चखता है उसे कड़वा लगता है, जो परमार्थ की जीव से चखता है उसे हमेशा मीठा ही मीठा लगता है। जब भी स्वार्थ की जीव से चखोगे तब आपको सत्य कड़वा लगेगा, और परमार्थ ने इसमें मेरा भला है, इसमें मेरा कल्याण होने वाला है, इसी परमार्थ की दृष्टि रख करके चलोगे तो आपके लिए कभी कड़वा नहीं लगेगा। हकीकत तो ये है, सत्य हमेशा सुंदर होता है। सत्य को सजाया नहीं जाता, सत्य को सजाना अर्थात सत्य को लजाना है, या ये कहो सत्य को सजा देना है। सत्य तो स्वयं सुंदर होता है, या यूं कहो सत्यम शिवम सुंदरम होता है। उसे किसी प्रकार की सफाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, सत्य है तो है। उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, और कभी कभी तो मौन होकर के ही रह जाओ तो सत्य एक दिन अपने आप प्रकट हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में थोड़ा सा सत्य को अपनाने का प्रयास करिएगा। व्यवहारिक सत्य होता है, एक वाचनिक सत्य होता है, तीसरा कायिक सत्य होता है। काया से भी सच्चाई का बयान होता है, वचनों से भी होता है, और आपके व्यवहार से भी सत्य होता है। एक मानसिक सत्य होता है, मन के माध्यम से सत्य, अर्थात समझे आप, जिसके अंदर लोभ है, जिसके अंदर छल कपट है, जिसके अंदर क्रोध है, वो कभी सत्य नहीं बोल सकता। कुछ लोगों की शंका रहती है, महाराज जी पहले सत्य धर्म आता है कि शौच धर्म आता है? कुछ पुस्तकों में पहले पूजन में सत्य की बात कही, किसी में शौच की कही। तो आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक लोभ रहेगा तब तक सत्य नहीं आ सकता, क्योंकि लोभ के रहते मन पवित्र नहीं हो सकता, और जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक सत्य का वास नहीं होगा। इसलिए पहले शौच धर्म आता है, उसके बाद सत्य धर्म आता है। क्रोधी सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि क्रोध में आदमी अपनी बात कहने की बजाय दूसरे का दुख ज्यादा दुखाता है, अपनी बात नहीं कह पाता, दूसरे के दुख और दिल और दुखाने की बात करता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, मायावी व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोल सकता, सुन रहे हैं, और अभिमानी व्यक्ति कभी सत्य का साथ नहीं दे सकता, और लोभी व्यक्ति तो सत्य को बिल्कुल समर्थन कर ही नहीं सकता। इसलिए जब ये चार कसाएं मंद पड़ जाएं तब कहीं सत्य का उद्घाटन होता है। इसलिए इन चार कसायों का समन करने के लिए क्षमा माधव आ जाओ शौच धर्म आया, फिर उसके बाद सत्य समझ में आएगा। कसाई व्यक्ति को कभी भी सत्य समझ में नहीं आ सकता। एक कंपनी का मालिक था,
से मेरे से बात नहीं की, मैं तो बात करता हूँ। हर जगह सफाई सफाई सफाई, और मेरे प्रकार का सफाई वो देता है जिसके यहाँ क्या होता है कचरा, उसे सफाई देने की और आवश्यकता नहीं जिसके पास सबको साफ सुथरा होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है इस चीज को कि हे भगवान हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति मिले सच्चे मिले। ऑफिस में आप जाते हो जितने भी स्टाफ वाले सबके से मिले आपको सरल स्वभाव में, आप समाज में रहते हो कमेटी के लोग कैसे मिले सरल स्वभावी मिले, आपकी शादी होती है जीवन साथी कैसा मिले सरल स्वभावी मिले। सब चाहते हैं हमारी पत्नी सरल स्वभावी हो, हमारे पति सरल स्वभावी हो, हमारे भाई जो भी जहां हो सरल स्वभावी, स्वयं नहीं बनना चाहते। ऐसी कंपनी का मालिक था, उसने निकाला मुझे ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। सब लोग पहुंच गए भैया इंटरव्यू देने के लिए, एक भोला भाला आदमी सच्चा इंसान पहुंचा, उसका इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ पूछने के बाद लास्ट में उसने पूछा क्यों भाई दो और दो कितने होते हैं, उसने कहा चार। बोले बस, हाँ बोले बस इतने ही होते हैं। बोले पांच और तीन नहीं हो सकते, बोले नहीं सर दो और दो तो चार ही होते हैं, ना तो तीन हो सकते हैं और ना, जाओ बाहर कर दिया। एक दूसरा आया, उससे सब कुछ पूछने के बाद लास्ट ने पूछा बेटा दो और दो कितने होते हैं, बोले आप जितने चाहो। बोले मैं ये चाहता हूं दो और दो तीन हो जाए और दो और दो पांच हो जाए, बोले आप बताओ दो और दो तीन भी हो सकते हैं और दो पांच भी हो सकते हैं। बोले कब हो सकते हैं, जब किसी से लेना हो तो दो और दो पांच हो सकते हैं, और जब किसी को देना हो तो दो और दो तीन हो सकते हैं। वो शाबाश बेटा तुम्हें कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, आ जाओ। बात समझ में आ गई क्या? ये कौन सा सत्य है, ये कौन सा इंटरव्यू है, ये कौन सी परीक्षा है जिसे मायाचारी असत्य पसंद है, उसके पास वैसे ही नौकर जाकर मिल जाते हैं, वैसे संग संगाती मिल जाते हैं। और जो व्यक्ति सत्यवादी है सही न्याय पर चलता है उसे वैसे व्यक्ति मिलते चले जाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक नियम तो कम से कम होना चाहिए, कुछ ना पालो तो सत्य नियम तो पालो। मैं जब भी करूँगा सत्य का समर्थन करूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। बहुरा जीवन में आनंद आएगा आपको। एक संत का उपदेश चल रहा था, जो संत का उपदेश चल रहा था तो उस समय एक डाकू भी पहुंच गया। इस लालच से यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, चलो जब यहां से छूटेंगे तो लूटेंगे, जब यहां से छूटेंगे तो लूटेंगे। लेकिन महाराज का उपदेश इतना अच्छा चल रहा था और पाप पर चल रहा था, प्राश्चित पर चल रहा था, इतने पाप करके क्या करोगे, एक दिन सबको जाना है। उस डाकू के कान में भी शब्द पड़ गए, उसे लगा उसका इरादा छूट गया, अब मैं इन लोगों को तो नहीं लूटूंगा, समझ गए। उसके भाव परिवर्तित हो गए। जब सब लोग चले गए डाकू अकेला आया, संत से बोला आपके उपदेश सुनकर के मुझ पर बहुत असर पड़ा, आप कुछ ऐसा और हमें दे दो कि हमारा जीवन भी सुधर जाए। उन्होंने कहा क्या करते हो, डाका डालता हूँ चोरी करता हूँ। बोले एक काम करो, तुम ना चोरी का त्याग करो, ना हिंसा का त्याग करो, ना परिग्रह का त्याग करो, तुम तो एक नियम ले लो। क्या नियम ले लो, विषम से विषम परिस्थिति में भी झूठ नहीं बोलेंगे, बस और कोई नियम नहीं, आप एक ही नियम ले लो। उसने कहा ठीक है मैं क्या नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, आज तक कोई नियम नहीं पाला, लेकिन ये नियम प्राण भी चले जाएं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वह नियम साधु से लेकर के चला गया और बस उसने सोचा चोरी कहाँ की जाए, अरे बार बार चोरी झूठ नहीं बोलना हमें, एक काम करते राजा के महल में चोरी करते, मालामाल हो जाएंगे, उसके बाद चोरी भी बंद कर देंगे, एक तो कर लें। जैसे आप लोग कहते हैं अब आज तो बीड़ी पी ही लें कल से त्याग कर देंगे, आज तो तंबाकू खा ही लें कल से त्याग कर देंगे, उसने भी सोच लिया।
चोरी करने के लिए चला गया, पर उसका नियम चोरी के त्याग का नहीं है, त्याग किसका है? झूठ का। चल दिया और सीना तान के चलता गया। पहरेदारों ने पूछा कौन हो? बोले डाकू, क्योंकि महाराज से क्या नियम लिया, कैसी परिस्थिति आ जाए। पहरेदार ने सोचा जरूरी नया आदमी है और राजा का खास ना हो, भैया मजाक मत करो जा, क्यों नहीं तो हमारी अभी नौकरी खतरे में आ जाएगी, पहरेदार ने सोचा। चला गया और जा करके अच्छे से रानी के महल में सब सोना चांदी जवाहरा सब निकाल करके आभूषण बांध करके चलता बना। फिर पहरेदार ने पूछा भाई इसमें क्या है? चोरी का माल, मजाक मत करो जा। और क्या ऐसा कोई आता है क्या कि मैं चोर हूं? और ये कोई रानी का खास होगा, उसने कुछ भेंट दी होगी, चला गया। अब थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा महल में डाका पड़ गया। अरे पहरेदार तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं क्या बताऊं राजन, वो तो सहज आया और मिला मैं डाकू। आप भी विश्वास नहीं करोगे सीधा साधा आदमी कोई डाकू बोले, आपका खास आदमी को मैंने जाने दिया, लौट करके पूरी पोटरी बांध के ले जा रहा था तो भी मैंने नहीं रोका। अरे बोले इस आदमी से तो मुझे मिलना है। किसने कहा? ऐसा आदमी तो बड़ा मुश्किल होगा, कोई मजबूरी में पाप कर रहा होगा, होगा तो सच्चा आदमी, होगा तो अच्छा आदमी। देखो एक बार साधु की संगति करने से राजा का विश्वास पात्र हो गया। सत्य की यही तो विशेषता है, सत्य और विश्वास एक साथ चलते हैं, असत्य और अविश्वास एक साथ चलते हैं। विश्वास पात्र बन गया, बुलाओ, उसको ढूंढा गया, सरलता से मिल गया। बोले क्यों तुमने चोरी की? जी साहब माल कहाँ है ऐसा, तुम्हें अपनी मृत्यु का डर नहीं है? पहले था, जब से संत से मिले तब से मैंने सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अब तो मैं सत्य बोलता हूं, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए। तो इतने सत्यवादी हो? बिल्कुल ठीक है, मेरा अभी मंत्री पद खाली है तो मैं उस पर नियुक्त किया जाता है। उसने कहा अरे एक सत्य बोला था पहरेदार से तो बेटोक पोटरी बांध के लाया, दूसरा सत्य बोला था महल से बेटोक निकल गया, तीसरा सत्य बोला तो मंत्री बन गया। अब तो मैं ऐसा सत्य अपनाऊंगा कि मेरा कल्याण ही हो जाए। गुरु के पास जाकर के मुनि दीक्षा धारण कर लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। मात्र एक सत्य का पालन करने से उसका क्या हो जाता भैया? भला हो जाता है। आप लोग भी अपने जीवन में सत्य बोलिएगा, क्योंकि तीन चीजें कभी छिपती नहीं, सूर्य चंद्रमा और सत्य। वो आएंगे, निकल आएंगे। अभी आपको लगता है कि बादल हैं तो सूर्य नहीं है, आ जाएगा। लगता है चंद्रमा नहीं है, आ जाएंगे। ज्यादा देर तक नहीं छिपते ये, सत्य भी ज्यादा देर तक नहीं छिपते, ये बाहर आकर के ही रहते हैं, एक ना एक दिन बाहर आ जाते हैं। इसे समझो इस चीज के लिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत कठिन है बंधु अपने जीवन में सत्य को पाने के लिए। सत्य से क्या लाभ होते हैं? सत्य पालन तो कर सकते हैं, पर सत्य से लाभ प्रॉफिट क्या है? तो सभी गुणों की प्राप्ति। संसार में जितने गुण हैं, आप लोग सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ, भगवान तक की उपलब्धि है, तपस्या की उपलब्धि है। तो सभी गुणों की सिद्धि वचन की सिद्धि होती है। जो सत्य बोलते हैं उनको वचन सिद्धि हो जाती है, वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। फिर वो कहेंगे पानी गिर गया, गिर जाएगा आज तो गिरे गई, उन्हें बोले ऐसा होगा तो हो गई। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? सामान्य व्यक्ति सत्य बोलता है, जो होता है वो सत्य बोलता है, लेकिन महान व्यक्ति वो होते हैं जो बोल लेते हैं वो सत्य हो जाता है। ये वचन सिद्धि है, कह दिया तो होगा, ये वचन सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है और वचन शुद्धि भी हो जाती है। वचन सिद्धि भी और वचनों की शुद्धि भी हो जाती है, और जब वचन सिद्धि हो जाती शुद्धि हो जाती है तो विश्वास पात्र बन जाता है। अगला फायदा कौन सा है? विश्वास पात्र बन जाते हैं, जब विश्वास पात्र बन जाते हैं तो पूजनीय हो जाते हैं, और जब पूजनीय हो जाते सबके प्रिय हो जाते हैं। बोलो ना,
ये सब लाभ होते चले जाते हैं। फिर सारी संपदाएं मिलती हैं, सत्यवादी के पास संपदाएं आ जाती हैं, क्षयोपशम बढ़ता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, कवित्व बोलने की कला, कविता की कला, कविता लिखने की, बोलने की, मधुर स्वर, ये सब सुस्वर नाम कर्म, ये सब किससे मिलते हैं? बोलते ना इसका कोयल जैसा कंठ है, ये सत्यवादी को प्राप्त होते हैं। कविता पाठ करने की जो कला है, लेखन की कला है, बोलने की कला है, ये सब कलाएं, वह बोलना शुरू कर दे तो कोई व्यक्ति जा रहा हो तो जाता जाता खड़ा होकर के दो मिनट सुनने की इच्छा व्यक्त कर दी, ये सब मात्र सत्य वचन बोलने से प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ा फायदा है अहिंसा का पालन होता है, सत्य बोलने से कभी हिंसा नहीं। और जब अहिंसा का पालन होगा अगला पॉइंट अपने आप आ जाता है, कभी किसी का अहित नहीं होता, सबका हित ही होता है सत्य बोलने से, ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अब चलिएगा इसके बाद अपन समझें सत्य पाने का तरीका क्या है, सत्य को कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहला है ईर्ष्या, लोभ, अभिमान, क्रोध, इनका त्याग करें। इनके रहते हुए सत्य कभी प्राप्त नहीं हो सकता। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कसायों की मंदता जरूरी है सच्चाई को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए। क्योंकि क्रोध में आदमी झूठ बोलता है, अभिमान पाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है, मायाचारी अपने आप में झूठ है ही, और लोभ के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है। एक और है आदत के कारण झूठ बोलता है, हमें आदत को बदलना होगी। तीसरा कारण हो जाएगा कथनी और करनी एक हो। क्या हो? कथनी, हम जैसा दूसरे को उपदेश दे रहे हैं वैसा उपदेश हमारे जीवन में है कि नहीं, इसका विचार करना। आपके यहाँ उपराष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हो चुके हैं, पहले उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे, रहते थे, विद्यार्थी भी बहुत सारे लोग करते थे। एक बार उन्होंने उपदेश दिया कि जो परिश्रम करता है उसे पहले फल मिलना चाहिए, बाद में औरों को। एक विद्यार्थी नया आया था, उसने सोचा चलो अपन चेक करते हैं, परीक्षा लेते हैं। वह प्रातः काल दो दातुन लेकर के गया, एक टेढ़ी थी और एक सीधी थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने उसने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा एक तुम रख लो और एक हमें दे दो। उसने सीधी डॉक्टर को दी और टेढ़ी, नहीं नहीं टेढ़ी हमें दो, डॉक्टर बोले राजेंद्र प्रसाद, क्यों आप तो महान है आपको तो सीधी रखना चाहिए। बोले नहीं, परिश्रम का फल पहले आपको, आपने परिश्रम किया है, आप इसको रख लीजिएगा। वो रोने लगा, आपको मालूम पड़ गया कि मैं परीक्षा लेने आया हूं, आपको याद था क्या? उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सत्य बोलने वाले को कभी याद नहीं रखना पड़ता मैंने क्या बोला था, वो झूठ बोलने वाले को हजार बार याद रखना पड़ता है हमने क्या बोला था। सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता, खुला, जो मैंने बोला सो बोला, पहले जो बोला सो आज बोला, तो जो झूठ बोलते हैं उन्हें सोचना पड़ता है मैंने किससे क्या बोला था और किससे क्या बोला, उनको तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है। लेकिन नहीं, हकीकत तो ये है उन्होंने सत्य को अपने जीवन में आत्मसात किया। सुने ना, असत्य में आनंद हो, आकर्षण हो सकता है पर आनंद नहीं होता। सत्य में आकर्षण भले ना हो लेकिन आनंद होता है। और सत्य का सबसे बड़ा अभिनंदन है सत्य का जीवन जीना। जो सत्य का जीवन जीते हैं उन्हें बड़ा आनंद आता है। सच्चाई का जीवन वाने वाले को कभी चिंता नहीं, तनाव नहीं, टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं होता, शांति से रहता है। अगला लक्षण है, अगला उपाय है सत्य को पाने का, पारदर्शिता। पानी की तरह पारदर्शी बने, जो ऊपर दिख रहा है तो नीचे भी उसमें दिखाई देना चाहिए। मन में, वचन में, काय में वही पारदर्शिता हो। फिर ये मौन सबसे अच्छा है, जहां पर आपको लगे हमारे बोलने से कलह हो सकती है, झगड़ा हो सकती है और वातावरण बिगड़ सकता है, वहां पर क्या रहना अच्छा है? सबसे अच्छा मौन। आचार्य कहते हैं मौन 100 को हराता,
सौ व्यक्तियों को भी हराने की क्षमता रखता है। सौ व्यक्ति बोल रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, वो मौन है, कोई जवाब नहीं है, बात खत्म। शब्द पंगु हैं, आचार्य श्री लिखते हैं, शब्द पंगु हैं, जवाब ना देना भी लाजवाब। कुछ बोल ही नहीं रहा, अब तुम्हें जो अर्थ निकालना तो निकालते रहो। फिर कहते हैं सत्य के प्रति सम्मान, हमेशा सत्य का सम्मान करो, सत्य की कीमत करो। इसके बाद पद से अधिक अपने ईमान को महत्व दो, अपने चारित्र को महत्व दो। पद बचाने की चिंता में, नौकरी बचाने की चिंता में असत्य का सहारा मत लीजिएगा। और अगला पॉइंट है हमेशा सच्चाई का साथ दीजिएगा। किसका साथ दीजिएगा? सच्चाई का। एक उदाहरण पढ़ा था मैंने, एक संत महात्मा कहीं से निकल रहे थे और किसी ने उनसे पूछ लिया, वहीं एक वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर एक तोता था, वो तोता जो था पिंजरे के अंदर था, किसके अंदर था? वहीं पास में कुटीर बनी हुई थी, उस मालिक ने उसे कैद कर रखा था। उसी समय संत गुजर रहे थे, किसी ने आकर के संत से पूछा, जीवन की उन्नति के लिए, संसार में सुख से रहने के लिए, संसार पार करने के लिए कोई सूत्र बता दीजिएगा। संत ने इतना ही कहा, जाते जाते हमेशा सच्चाई का साथ देना। किसका साथ देना? उस इंसान ने तो सुन लिया, पता नहीं उस इंसान ने अपने जीवन में पालन किया कि नहीं। तोते ने सुन लिया, पिंजरे के अंदर रहते रहते। किसका साथ देना चाहिए? सच्चाई का साथ देना। फिर क्या था? वो हमेशा अपने मालिक की रक्षा करता था। मालिक कह देता था कि मैं घर में हूं, और कह देना कोई आए तो मैं घर में नहीं हूं। वो बोल देता था घर में नहीं है मालिक। आज फिर बोल करके गए तोते से, कह देना मालिक घर में नहीं है। अंदर चला गया, कोई आया, बोले क्यों तोते, मालिक कहाँ हैं? बोले मालिक घर के अंदर हैं। और बोल के गए हैं तोता, तुम बोल देना मालिक घर में नहीं है। सत्य बोल दिया उसने, बस वह सुन भी लिया किसने, मालिक ने। अब उन लोगों को मिलना हुआ, जो कुछ था हो गया। फिर बाद में गुस्सा आई, किसको? मालिक को। देखो ये अब ठीक नहीं है, ये हमारा काम नहीं करता, ऐसा ऐसा बोलने लगा है, सत्य बोलने लगा है। पिंजरा खोल दिया, उसे उड़ा दिया, उड़ करके एक पेड़ पर बैठ गया और कहने लगा, सच्चाई का साथ देकर मैंने देख लिया, हमेशा मुक्त हो जाते हैं, पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। आप भी सच्चाई का साथ दीजिएगा, कभी मत फंसिएगा। दुर्गति से बचने के 5 उपाय आचार्यों ने बताए। उन्होंने कहा सत्य, संतोष, सौजन्य, समता, साधु संगति। दुर्गति से बच जाओगे आप इन 5 चीजों को अमल कर लिया तो। कौन सी 5 चीजें? सत्य सबसे पहले रखा, संतोष सकार वाले हैं, साक्षात शुरू होने वाले, सौजन्य, समता और साधु संगति। ये 5 सकार जिसके पास आ जाते हैं, सकारा पंच वर्तन्ते दुर्गतिम नेव याति सहा, और कभी दुर्गति में नहीं जाता। इसलिए बंधु, सत्यम, संतोष, सौजन्य, समता, साधु संगति, सकारः पंच वर्तन्ते दुर्गतिम नैव यान्ति, वह दुर्गति में नहीं जाता। यदि दुर्गति से बचना चाहते हो, सही बात तो यह है, गति मति सब सुधर जाती है। यदि हम सत्य का पालन करने लगे, सत्य की ओर बढ़ने लगे, तो बहुत अच्छा होता है। एक मिश्री लाल जी एडवोकेट हुए हैं, जब हम गुना में थे, उनकी संलेखना हुई थी, उस समय हमारा उनको सानिध्य प्राप्त हो गया था। उन्होंने बहुत अच्छा भजन लिखा है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंची साख से उड़ा खाली पड़ी नीड़ है, सृष्टि सारी देख ली पर्याय ही अनित्य है, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है।
बाद में जब उनकी अर्थी जा रही है तो कह रहा है, कभी अर्थी चली जा रही तो कह रहे हैं बहुत दूर तक भीड़ दिख रही है, लेकिन पंछी साख से उड़ गया, खाली पड़ी नील है ये शरीर, देख ली हमने सृष्टि, क्या आत्मा ही मात्र नित्य है, अरहंत नाम ही नित्य है, बाकी पर्याय तो। अब देखिए आगे कहते हैं, कौन हम शत्रु माने, किसको मित्र माने, क्या कहें, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था बास था, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था बासता, उन्हीं के कंधों पर आज कट रहा है रास्ता, आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है, आंख जब मुंदी तो, अभी आपको शत्रु दिख रही है, आपको मित्र दिख रहे हैं, लेकिन जब आंख बंद हो जाती है ना कोई शत्रु रह जाता है और ना कोई मित्र रह जाता है। सच्चाई को पाने का प्रयास करिएगा बंधु, सत्य सहज नहीं मिलता, सत्य को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अपने जीवन में सच्चाई को पाने का प्रयास करिएगा बंधु, क्योंकि इससे बड़ा और कोई जीवन में सत्य नहीं है। एक बार आचार्य भगवंत ने कहा था, सत्य को समझना चाहते हो तो उन्होंने कुछ स्टेप बताए थे, हम आपको बताना चाह रहे हैं। पाप को छोड़ना पहला सत्य है, पाप को छोड़ना पहला सत्य है, पुण्य को अपनाना दूसरा सत्य है। पुण्य को भी छोड़ना तीसरा सत्य है। सुन रहे हैं आप लोग, पाप को छोड़ना पहला सत्य, पुण्य को अपनाना दूसरा सत्य, फिर पुण्य को भी छोड़ना तीसरा सत्य, फिर उसके आगे तो सत्य ही सत्य है, अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य, यही परम सत्य है। जो एक साथ पाप पुण्य को छोड़ना चाह रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, पहले पाप को छोड़िए, पुण्य की वृद्धि करिएगा, फिर पुण्य को छोड़ना नहीं पड़ता, जब शुद्ध उपयोग में जाते हैं तो पुण्य अपने आप छूटता चला जाता है और आगे जल के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोले महावीर भगवान के, आचार्य गुरुदेव भगवान विद्यासागर जी महाराज की। एक बात बता दूं आपको, कोरोना तो सबको सत्य दिखा दिया, कोरोना वायरस ने तो सबको सत्य दिखा दिया, ये सब कुछ काम में आने वाले नहीं, धन दौलत परिवार कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा, ये है सच्चाई, समझो अभी भी संभलो। बोले महावीर भगवान की, हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम छल कपट असत्य से बचकर सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने